शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर नगर निगम कोटा उत्तर की ओर से बैठक आयोजित की गई। महापौर मंजू मेहरा ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से 9 सितंबर से शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर सभी पार्षदों से उनके वार्ड की समस्या पूछी गई। मुख्य अभियंता प्रेम शंकर शर्मा ने बताया कि नगर निगम के अभियंताओं ने सभी वार्डो में कार्यों को लेकर सर्वे कर लिया गया है। योजना लागू होने के बाद जरूरतमंद लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक कार्य करवाए जाएंगे। और बैठक में आयुक्त वासुदेव मालावत, उपायुक्त अशोक त्यागी, गजेंद्र सिंह सिसोदिया, पार्षद अनिल सोलका सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के संबंध में बैठक आयोजित की है। हमारे जो माननीय मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 2005 में इस योजना का लागू की थी, चयन किया था, और 2006 में ये योजना चालू कर दी थी। को यह योजना दोबारा से शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें शहरों में रोजगार देंगे, जो भी 100 दिन का रोजगार देंगे उससे रोजगार मिलेगा, और जो भी वार्ड की जो समस्या आई है, जैसे झाड़ी कटाई का है, नहरों के आसपास जो भी सफाई है, और कुएं तालाब वगैरह, बावड़ी वगैरह, इन सब की सफाई हमें करवाई जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार संपूर्ण राजस्थान में 9 सितंबर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। पूर्व में ये योजना माह जून में प्रस्तावित थी, परंतु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से राज्य सरकार द्वारा इसकी तिथि आगे बढ़ाई गई, और अब जो हमें कल VC में माननीय सेक्रेटरी साहब ने जिस तरह के निर्देश दिए, 9 तारीख से ये इंदिरा गांधी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शुभारम्भ होने जा रहा है।